जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को किस प्रकार विदा करें, जिससे कि वह खुशी खुशी अपने लोक को वापस जाएं। जिस प्रकार हमने उनको पितृ पक्ष के प्रारंभ में खुशी खुशी बड़े ही हमने श्रद्धा पूर्वक अपने घर पे उनको बुलाया था, उनको जलदान किया, जल अर्पण किया, पिंडदान किया, तिलदान किया और भी धूपदान, और भी कई लोग कई प्रकार से अपने अपने जो है श्रद्धा प्रकट करते हैं कई कई काम करके। तो देखिए, पितृ अमावस्या जो होती है वो आखिरी तिथि होती है श्राद्ध पक्ष की। तो इस दिन हमें पितरों को जिनको हमने बुलाया था अब हमें उनको वापस भेजना भी होता है, जैसे कि वो हमारे परिवार पे खुशियों का आशीर्वाद हमें दे के जाएं। तो वो किस प्रकार की विधि है, तो यही आज हम आपको यहाँ बताएंगे। इस दिन क्या होता है कि जो आपके जितने भी दिवंगत पितर होते हैं जिनका श्राद्ध आपने तिथि पर कर दिया होता है, आप कई सारे पितर ऐसे भी होते हैं जिनका श्राद्ध आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको उनकी तिथि ज्ञात नहीं होती, तो हमें इस दिन आखिरी जो दिन होता है इस दिन हमें उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। इनके निमित्त भोजन से जो आप भोजन बनाते हैं उस दिन आप पंचबलि यानी कि कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी और देवों के लिए भोजन का एक एक अंश निकाल कर उनको दे दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके माध्यम से पितृ तृप्त हो जाते हैं, चाहे आप उनका नाम जानते हो या ना जानते हो, आप उनकी तिथि आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन उन सबके निमित्त आपका ये जो काम है ये उन तक पहुंच जाता है। इससे फिर पितृ तृप्त होकर के आपके जीवन में खुशहाली को बनाए रखते हैं। और ये तिथि है ये सर्वप्रथम अमावस्या के दिन की तिथि होती है। आप चाहे तो दिन ब्राह्मण भोजन जरूर करा दें, ऐसा करना भी अच्छा है। साथ ही साथ गीता का 7वां अध्याय जो होता है उसका पाठ आप पढ़ लें और इस दिन आप सर्वपितृ अमावस्या की जो कथा है उसको भी आप जरूर सुनें या उसको पढ़ लें। ऐसा करने से भी पितृ जो है आपके तृप्त हो जाते हैं। तो देखिए, इसके अलावा इस दिन हमको क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करके पितृ अमावस्या के बाद सूर्यास्त के समय पूरे आदर और श्रद्धा से पितरों को विदाई अवश्य ही दी जानी चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन रात्रि के समय सभी पितृगण अपने अपने लोगों को लौट जाते हैं, इसलिए उन्हें विदा कराते समय उनको रास्ता दिखाने हेतु हमें दीपदान करना होता है। इसमें शास्त्रीय जो विधि होती है उसके अनुसार सूर्यास्त के समय गंगा नदी, कोई कुआं है, कोई बाबड़ी है या कोई अपने आसपास कोई जलाशय, कोई तालाब जो भी है उसके आसपास आप वहाँ जाएं और वहाँ पे 14 दीप प्रज्वलित कर दें या फिर आप एक दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने पितरों को स्मरण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर दीपों को गंगा में प्रवाहित करें। पितरों से अपने जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगते हैं, उनकी विदाई आप कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हे हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगण, हमने सच्चे मन से आपका तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें, हम और आप हम पर सदैव अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे घर परिवार, हमारे कारोबार के किसी भी प्रकार के संकटों को दूर करें एवं प्रसन्न होकर अपने लोक में पधारें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धर्म में पीपल का वृक्ष जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है कि ऐसा माना जाता है कि पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, वास स्थान माना जाता है। भगवान वासुदेव यानी कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल में हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तो इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों के घर के आसपास कोई गंगा नदी का तट ना हो या वे बहुत दूर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, ऐसी स्थिति में वो पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को स्मरण करें और उनकी विदाई करें। अगर नदी पिया पीपल पर दीपक आप न जला पाएं तो आप शाम के समय प्रदोष काल जब अंधेरा होने को होता है तो घर के बाहर या दक्षिण दिशा में या फिर आप घर की छत पर भी ये कर सकते हैं कि आप एक दीपक जला के दक्षिण दिशा की ओर रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। फिर दक्षिण दिशा में मुंह करके पहले यमराज जी को, चित्रगुप्त जी को, फिर अपने आदि पितृ वसु, रुद्र, आदित्य जी को प्रणाम करके उनसे पूरे श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि का पुण्य पाने व पितरों को प्रदान करने के लिए उनसे अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने और पितरों को स्वर्ग में स्थान देने की प्रार्थना करें। इसके बाद अपने पितरों से श्राद्ध पक्ष में हुई अपनी भूलों की क्षमा मांग लें, उनसे आशीर्वाद मांगें और उनको प्रसन्नतापूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी विदाई कर दें। पितृ अमावस्या पर उनके निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से उनका पितृलोक का वापसी का जो रास्ता होता है, जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाता है और वे बड़ी ही खुशी खुशी आसानी से अपने अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस तरह पितरों को संतुष्ट करके, उनको प्रसन्न करके विदा करने से पितरों का आशीर्वाद उस जातक और उसके घर परिवार पर हमेशा बना रहता है। वैसे तो पितृपक्ष के श्राद्ध की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने दिवंगत माता पिता, दाई दादा, परदादा, नानी आदि का इन 16 श्राद्धों में
व्रत उपवास रखकर या श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को पूर्ण श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिण देते हैं, तो उनके निमित्त जो उनके नित्य अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, उनके जो घर उनके घर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सदैव भी विराजमान रहती हैं, अर्थात वे हमेशा ही खुश रहते हैं, सौभाग्य धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। अतः इस धरती में सभी व्यक्ति को इन दिनों में अपने अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, ये थी पितरों को विदाई करने की विधि। इस दिन आप पितृ अमावस्या की कथा भी अवश्य सुनें, और इस दिन आप जलदान धूपदान भी जरूर करें, क्योंकि जो आपने पूरे श्राद्ध पक्ष में किया है तो आप इस दिन भी जरूर करें। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान पितृदेव और भगवान श्री नारायण आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।